गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को, गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। कैसे मावत हो तुम, एक हाथी से गुलाब जल नहीं छिड़कवा सकते? दो वो छड़ी, मैं दिखाती हूँ। गजराज गुलाब जल छिड़को, छिड़को गुलाब जल। हो गया ना माँ, गुलाब जल भी छिड़क दिया और प्रसाद का ढेर भी लगा दिया। ए मुंह क्या देख रहे हो, साफ करो साफ करो, ये भी बताना पड़ेगा क्या? गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को गजराज, गजराज छिड़को छिड़को। किस पर आखे लाल कर रहे हो? किसने बोला तुम मनुष्यों को हाथी को या लाने को? मैंने। वाह क्या कर रही हो तू, वहाँ खेत में धोने का काम रुका हुआ हाथी के न होने से तू उसे यहाँ लाकर तमाशा करवा रही है? क्या आंगन में सर्कस चल रहा है? क्या सर्कस, मेरी नवासी की शादी, उसमें हाथी के द्वारा गुलाब जल छिड़का जाए तो क्या वो तमाशा है? ऊंचे घर की इज्जत धुल गई क्या? एक पवित्र रसम को सर्कस कह रहा है तू? तो फिर तू ऐसा क्यों नहीं करती, जब शादी में खाना परोसा जा रहा है तो हाथी के सूंड से दाल और रायता क्यों नहीं परोसवाती? वो भी एक सम्मान की बात है, सारा गाँव देखेगा कि हाथी दाल और रायता परोस रहा है। बीरो मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, अनपरा गांव के लोगों पर हाथी गुलाब जल छिड़केंगे या दाल परोसेंगे ये तय करने वाली मैं हूँ, कोई नौकर चाकर। प्रताप भैया आपके होते हुए क्या हो रहा है बाहर, ताज्जुब है, 10,000 लोग आएंगे शादी में और वो हाथी रहेगा वहां पर। तो तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर गुलाब जल छिड़कू वहां? नहीं नहीं ठीक है, आप यूं ही मसल भुलाकर गुब्बारे बनाते रहिए, जाने कौन से बोरे ढोने हैं। देखो वीर अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो जाकर कह दो सूर्यबान भैया से मेरे मसल्स पर नैना गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? शुरू हो गए सुबह सुबह, तुम दोनों का झगड़े की सिवा पेट नहीं भरता। वीर क्या चाहते हो तुम, यही ना कि शादी के मंडप में हाथी मौजूद ना हो? हाँ बड़े भैया, उसके लिए मैंने 1 किलो रुई मंगाकर हाथी के कानों में ठूस दिया है और फिर हाथी यहाँ लाया गया है। अरे अब बम भी फट जाएगा तो हाथी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। बहुत अच्छे शाबाश, हाथी के कान में क्या, अपनी माँ के कान में भी थोड़ी रोई रख दो ना। एक बात याद रख लो आप लोग, ये एक बिन माँ की बच्ची की शादी हो रही है, उसकी शादी के मंडप में हाथी क्या बल्कि पटाखों की बौछार भी होगी। वहां वही लोग मौजूद होंगे जो अच्छे दिल से आशीर्वाद देने के लिए वहां आएंगे, ये बात आप लोगों को समझ में आई? खाक समझोगे तुम?